हेलो दोस्तों, तो आज हम पिकआर्ट से फ़ोटो एडिट करना सीखेंगे। इसके लिए हमें पिकआर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट ए फ़ोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ से अपनी एक फ़ोटो एडिट करनी है। फ़ोटो एडिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। हमें इसे यहाँ से आगे बढ़ाएंगे एंड ड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें फिर से ड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक आपको लेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दो लेयर दिखाई दे रही हैं, एक ब्लैक बैकग्राउंड एंड एक फ़ोटो की लेयर। तो यहाँ से हमें वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, तो वाइट कलर पर सिलेक्ट करेंगे एंड सही के ऑप्शन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद हमें जो वाइट लेयर है इसे हमें नीचे लाना है एंड फ़ोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपनी फ़ोटो को एडजस्ट करेंगे। फिर हमें सही के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें एक ब्लैक लेयर सेलेक्ट करनी है, तो हमें इधर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हमें एक एम्प्टी लेयर लेनी है। लेने के बाद हम इसमें ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे और इस ब्लैक वाली लेयर को वाइट लेयर एंड फ़ोटो की लेयर के बीच में लाएंगे। लाने के बाद हमें फ़ोटो वाली लेयर पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हम फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें मर्ज पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से हम इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेंगे, जिसे हम थोड़े 70 के आसपास रखेंगे। फिर हमें सही के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर यहाँ से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाली लाइन के लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए हमारा ये ब्लर हो गया है। यहाँ से आप ब्लर बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो हम इसे 25 रखते हैं, 25 या 30 के आसपास रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस के सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें फिर से ड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हमें फिर से वही वाली अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जिस फ़ोटो को हम एडिट करना चाहते हैं। फिर यहाँ से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से सही के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपकी फ़ोटो गैलरी में भी सेव हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।